हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं सिर्फ अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एक जो स्टूडेंट है, मेरी कोचिंग क्लास का एक स्टूडेंट है, डॉक्टर संदेश गौर, जो जिसने फाइनली क्या कर लिया है, एमडी का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे क्रैक कर लिया, और क्रैक करके फाइनली जो है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश एमपी का जो गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो गया है, और वहाँ उसे मटेरियल मेडिका जो ब्रांच है वह अलॉट हुई है, और वो उस मटेरियल मेडिका ब्रांच से वो एमडी कर रहा है। सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर संदेश कौर है। मैंने अपना यूजी का कोर्स बीएचएमएस डिग्री हैनीमन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल से कंप्लीट किया है, और अभी करेंटली मैं AIPGT 2020 के थ्रू सिलेक्शन मेरा हुआ है मटेरिया मेडिकल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज भोपाल में। आई फील सो लकी कि मुझे ये मौका मिला कि मैं डॉक्टर भावेश सर की भावेश कोचिंग क्लासेस का एक रिव्यू दे पाऊँ। सर ने बहुत मेहनत करी है हमारे इस सिलेक्शन में। टोटल ही हमारा जो भी सिलेक्शन था उसके लिए टोटल जो गाइडेंस था सर का बहुत स्ट्रांग था। सर की कोचिंग की सबसे अच्छी बात यह होती है कि सर जो भी मटेरियल हमें प्रोवाइड कराते हैं, स्टडी मटेरियल, वो अप टू द पॉइंट होता है, और उसमें इतना मतलब प्रिसाइज वे में लिखा हुआ होता है सब कुछ कि अगर आप उसको अच्छे से याद कर लो सिर्फ, तो भी आपके एक बहुत डिग्निफाइड नंबर्स आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा अगर आपको क्लिनिक बेस्ड कोई कुछ भी चीजें सीखनी होती है तो सर का क्लिनिकल नॉलेज भी बहुत अच्छा है। वो ना सिर्फ हमें सिर्फ एक फैक्ट याद कराने का काम नहीं कर रहे हैं, वो हमें क्लिनिकल अप्रोच उसकी बता रहे हैं, पेशेंट की काउंसलिंग कैसे करनी है, आपका क्लिनिक किस तरीके से रन करता है, ये सारी चीजें भी सिखाने का काम करते हैं। मैं सर की कोचिंग सेकंड ईयर में था तब से पैथोलॉजी की कोचिंग ज्वाइन की थी, फिर आगे मैंने सर की सर्जरी गायनिक वगैरह की कोचिंग क्लासेस अटेंड करी। फिर उसके बाद सर से मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का सब्जेक्ट पढ़ा, तो मैं कंटिन्यूअसली सर के कॉन्टेक्ट में 3 ईयर्स के अराउंड था, तो उन्होंने बहुत ट्रेन किया। हम लोग जब आते हैं यूजुअली फर्स्ट ईयर पास करके, तो हमारा क्या है नॉलेज उतना अप टू डेट नहीं रह पाता है, तो हम एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत होती है। और आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल कि आप एटलीस्ट एक बार सर की क्लास अटेंड जरूर करो, क्योंकि अगर आप वो क्लास में अटेंड करोगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप सर के फैन हो जाओगे। सीरियसली मेरे सिलेक्शन में काफी बड़ा रोल था सर का, हेल्प का। सो थैंक यू सो मच सर।